हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 3 का कंप्यूटर का चैप्टर जो है वर्ड प्रोसेसर एंड इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो ये वर्ड प्रोसेसर है, ये वर्ड प्रोसेसर होता क्या है। तो बेसिकली जो एक वर्ड प्रोसेसर होता है उसमें हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको में हम एडिटिंग करते हैं। और जो वर्ड प्रोसेसर है ये एक तरीके से आप कह सकते हैं ये सॉफ्टवेयर या फिर एक प्रोग्राम होता है। सो अब हम लोग देख लेते हैं कि वर्ड प्रोसेसर जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लगाई है वर्ड प्रोसेसर की। अ वर्ड प्रोसेसर एनेबल्स यू टू क्रिएट एंड एडिट अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्टोर इट ऑन द कंप्यूटर, डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन और प्रिंट इट यूजिंग अ प्रिंटर। जो एक वर्ड प्रोसेसर होता है वो हमें एनेबल करता है, यानी हम एक वर्ड प्रोसेसर में एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट यानी बना सकते हैं, उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को हम एडिट कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर पे स्टोर यानी हम उसको सेव कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर पे मॉनिटर यानी स्क्रीन पर आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो यानी दिखा सकते हो, आप उसको प्रिंटर को यूज करके प्रिंट भी कर सकते हो। इट ऑल्सो अलाउज यू टू इंसर्ट पिक्चर्स, टेबल्स एक्सेट्रा इन द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। जो एक वर्ड प्रोसेसर होता है वो हमें ये भी अलाउ करता है कि हमने जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें हम पिक्चर्स लगाएं, यानी जो इमेजेस होती हैं, फोटोज होती हैं वो हम लगाएं, हम उसमें टेबल्स लगा सकते हैं और भी बहुत कुछ चीज़ें, एक्सेट्रा मीन्स और भी बहुत सारी चीज़ें हम एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। सो आई होप अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि वर्ड प्रोसेसर होता क्या है और हम उसे डिफाइन कैसे करते हैं। नाउ एक और टर्म है कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय वर्ड प्रोसेसिंग। अभी तो हमने देख लिया कि वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, अब हम लोग देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है। वर्ड प्रोसेसिंग इज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू क्रिएट, एडिट, स्टोर एंड प्रिंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। वर्ड प्रोसेसिंग हम तब कहते हैं जब आप किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बना रहे हैं, उसको एडिट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं या फिर प्रिंट कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स कम टू वर्ड प्रोसेसर विंडो कंपोनेंट्स, यानी जो वर्ड प्रोसेसर है वो जब विंडो खुलती है तो उस विंडो में कौन कौन सी चीजें होती हैं। यहाँ पे आप लोग देख भी पा रहे होंगे वर्ड प्रोसेसर की लेबलिंग, ये मैंने आपको यहाँ पे एक इमेज लगा दी है, ये वर्ड प्रोसेसर की लेबलिंग है कि कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है। और अब हम इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो है रिबन, जो कि एमएस वर्ड में होता है। ये बात हमेशा याद रखना, मोस्टली आपके कोर्स में दो वर्ड प्रोसेसर है, एक है एमएस वर्ड और एक है लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, एमएस वर्ड में होता है रिबन। ठीक है, रिबन जो है वो कौन से सॉफ्टवेयर में है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में है। अब हम इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। इट हैज मल्टीपल टैब्स सच एज, जो रिबन होती है उसमें मल्टीपल टैब्स होती हैं, जैसे होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू। जो एक रिबन होती है जो कि एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में प्रेजेंट होती है उसमें मल्टीपल यानी अलग अलग टैब्स होते हैं, जैसे कि होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू टैब्स होते हैं। ईच कंटेन्स फीचर्स यू कैन यूज व्हाइल वर्किंग ऑन योर डॉक्यूमेंट। जब आप अपने डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं तो जो हमने मल्टीपल टैब्स अभी यहाँ पे पढ़े, होम, इंसर्ट वगैरह, तो इन सारे टैब्स में ऐसे ऐसे फीचर्स होते हैं, ऐसे ऐसे इनमें ऑप्शंस होते हैं जिनका यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट को एक बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं, हम एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं अच्छी तरीके से। नाउ क्विक एक्सेस टूल बार, अब ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है ये हमारा सेकेंड कंपोनेंट है, जो कि ये भी प्रेजेंट होता है MS Word में। अब ये MS Word में प्रेजेंट होता है, इसमें होता क्या, जैसे हमने तो रिबन में देखा, रिबन में मल्टीपल टैब्स होते हैं जो कि हमें फीचर्स प्रोवाइड करते हैं जिसको हम यूज करते हैं अपना एक डॉक्यूमेंट बनाते हुए। नाउ अब जो MS Word में क्विक एक्सेस टूल बार है इसका हमें क्या बेनिफिट होता है। जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है उसमें क्या कैसे बटन्स होते हैं जो कि हम फ्रिक्वेंटली यानी हम मोस्टली यूज करते रहते हैं। इट कंटेन्स ऑल द बटन्स दैट यू यूज फ्रीक्वेंटली, वो सारे बटन्स जो आप फ्रीक्वेंटली यानी बार बार यूज करते रहते हैं। नाउ मेन्यू बार, अब जो ये मेन्यू बार है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मैंने आपको कहा था दो वर्ड प्रोसेसर होते हैं, एक होता है एमएस वर्ड, एक होता है लिब्रे ऑफिस राइटर। अब जो ये मेन्यू बार है वो लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रेजेंट होता है।
हैज ऑप्शन सिमिलर टू द वंस प्रेजेंट इन द रिबन ऑफ द एमएस वर्ड विंडो. अभी हमने देखा था जो एमएस वर्ड की विंडो होती है उसमें एक रिबन प्रेजेंट होती है. वर्ड प्रोसेसर दो होते हैं जिसमें से जो एमएस वर्ड है उसमें रिबन प्रेजेंट होती है और वहीं जो लिब्रे ऑफिस राइटर वाला है वर्ड प्रोसेसर उसमें मेन्यू बार प्रेजेंट होता है. तो मेन्यू बार में क्या होता है उसमें ऑप्शन सिमिलर होते हैं जैसे कि एक एमएस वर्ड की रिबन में प्रेजेंट होते हैं. स्टेटस बार. नाउ व्हाट इज स्टेटस बार? स्टेटस बार कहाँ कहाँ होता है? ये एमएस वर्ड में भी पाया जाता है और लिब्रे ऑफिस राइटर दोनों में पाया जाता है. स्टेटस बार. स्टेटस बार क्या करता है? इट मेंशंस द स्टेटस ऑफ द डॉक्यूमेंट. वो डॉक्यूमेंट का हमें स्टेटस मेंशन करता है. फॉर एग्जांपल इट गिव्स द पेज नंबर, द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द डॉक्यूमेंट. जैसे कि जो आप एक डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस पे काम कर सकते हैं तो आप कौन से पेज पे अभी काम कर रहे हैं, आपने टोटल कितने पेजेस बनाए हैं, टोटल आपके डॉक्यूमेंट में कितने सारे नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, कितने सारे वर्ड्स आपने लगाए हैं, कितने सारे सेंटेंसेस हैं, तो वगैरह वगैरह ऐसी जो चीजें हैं कि इस डॉक्यूमेंट का स्टेटस जो हमें बताए कि कौन सा पेज नंबर है भी और या कौन से हम टोटल पेज नंबर्स कर चुके हैं, आप डॉक्यूमेंट में कौन से वर्ड्स के कितने वर्ड्स आप लगा चुके हैं, तो ये सारी चीजें हमें कहाँ पर जानती? स्टेटस बार में, जो कि एमएस वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर दोनों के दोनों ही वर्ड प्रोसेसर्स में प्रेजेंट होता है. नाउ लेट्स कम टू टाइटल बार. अब जो ये टाइटल बार है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है एमएस वर्ड में भी होता है और लिब्रे ऑफिस राइटर में भी होता है टाइटल बार. तो ये चीज आता है जो स्टेटस बार है और जो टाइटल बार है वो एमएस वर्ड में भी प्रेजेंट है, लिब्रे ऑफिस में राइटर भी प्रेजेंट है, और जो टाइटल बार है वो भी एमएस वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर दोनों में ही प्रेजेंट होता है. अब जो टाइटल बार होता है वो क्या करता है? वो डॉक्यूमेंट का टाइटल मेंशन करता है. स्टेटस बार में क्या मेंशन हो रहा था? डॉक्यूमेंट का स्टेटस, और टाइटल बार में डॉक्यूमेंट का टाइटल मेंशन होता है. नाउ दो अलग अलग चीजें हैं जिससे आप लोग मोस्टली कंफ्यूज होते हैं और वो वर्ड्स हैं सेव एंड सेव एज. ये दोनों लगते तो सेम है बट इनका फंक्शन अलग अलग होता है. सेव डॉक्यूमेंट, सबसे पहले हम ये वाला जो ऑप्शन है सेव इसके बारे में बात कर लेते हैं. सेव कमांड, इसको हम कमांड कह सकते हैं, सेव ऑप्शन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं. जो सेव कमांड है वो एक डॉक्यूमेंट को सेव करता है. ठीक है, हमको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो हम यूज करेंगे सेव वाला ऑप्शन, सेव कमांड. ठीक है, लेकिन इन केस आपने ऑलरेडी एक फाइल बनाई है, लेट्स से आपने एक फाइल बनाई थी जिसका नाम था प्रोजेक्ट. अब उसी फाइल को आपको वापस से सेव करना है बाय द नेम, कि आपको वहां पे नाम चेंज करना है, मतलब आपको दूसरे नाम से सेम फाइल को सेव करना है. लेट्स से आपको सेव करना है इंग्लिश प्रोजेक्ट, तो आप क्या करोगे? आप सेव एज कमांड का यूज करोगे. इससे क्या होगा? जो आपका एग्जिस्टिंग फाइल था वो न्यू नेम के अंडर सेव हो जाएगा. तो एक बार हम लोग इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. सेव कमांड इज यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए यूज होता है. सेव एज कमांड लेट्स यू सेव एन एग्जिस्टिंग फाइल अंडर अ न्यू नेम. इट इज यूज व्हेन यू वांट टू मेक सम चेंजेस इन अ डॉक्यूमेंट बट वांट टू कीप द ओरिजिनल आल्सो स्टोर्ड इन द कंप्यूटर. जो सेव एज कमांड होता है वो हमें एग्जिस्टिंग फाइल को, जो एग्जिस्टिंग फाइल है, जो एक बनी हुई फाइल है, उसको एक न्यू नेम के अंडर सेव करने में हेल्प करता है. इसको हम मोस्टली तब यूज करते हैं जब हमको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी चाहिए और जिस डॉक्यूमेंट में हमने चेंज भी करा है हमें वो दोनों डॉक्यूमेंट चाहिए, तो हम सेव एज कमांड का यूज करते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप आप लोगों को सबसे कुछ समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल श्योरली रिप्लाई टू देम. एंड वेरी सून मैं कंप्यूटर का नेक्स्ट चैप्टर भी कवर करवा दूंगी और मैं क्लास 3 ICSE बोर्ड के SST के दो चैप्टर्स करवा चुकी हूँ. उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो उन्हें भी वॉच कर सकते हैं. और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. बाय एंड टेक केयर एंड नाउ आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.